हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित एंड वेलकम टू श्री कृष्णा क्लासेस, अ कंप्लीट ऑनलाइन एजुकेशन हब, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। टेंस का ये तीसरा वीडियो लेक्चर होगा जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। अभी तक हमने टेंस की सीरीज स्टार्ट किया था, हमारा ये तीसरा वीडियो लेक्चर होगा टेंस पे। इससे पहले हमने देखा था कि टेंस क्या होता है, और दूसरे वीडियो लेक्चर में हमने देखा था टेंस के टाइप्स को हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम टेंस के दूसरे टाइप, प्रेजेंट टेंस के दूसरे टाइप को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम बोलते क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एक ऐसा टेंस है जो यह बताता है कि कोई भी काम जब वर्तमान के समय में, वर्तमान का मतलब है प्रेजेंट के टाइम में चल रहा होगा, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट क्यों? क्योंकि वो वर्तमान के समय में कोई काम कंटिन्यू रहेगा, इसीलिए उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, तो ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, ठीक है? क्योंकि मैं वीडियो अभी बना रहा हूं और वीडियो आप अभी देख रहे हैं, तो इसीलिए ये काम जो हो रहा है ये प्रेजेंट के टाइम में हो रहा है। डैट्स वाई ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही तीन चीज सीखेंगे, तीन रूल सीखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जब हम मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा है, ऐसा कोई भी वर्ड होता है तो वो दिखाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को दर्शाता है। किसी भी मेन वर्ब के साथ अगर होगा, मैं खा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, वह जा रहा है, ऐसा कोई भी टेंस, तो मेन वर्ब के साथ जब भी रहा है, रही है, रहे हैं या रहे है, तो वहाँ पे उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम पहचान लेते हैं, ठीक है? तो हम समझते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको फिर से बता देता हूँ कि जिस सेंटेंसेस में नो या नॉट का इस्तेमाल नहीं होता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, एक सिंपल सेंटेंसेस को, उसको ही हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो उसका पैटर्न क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस का, किस तरीके से हम बनाएंगे? सब्जेक्ट के साथ एम एज आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आई एन जी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। कभी भी हम किसी भी टेंस में जब वो कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि काम चल रहा होगा, तो वर्ब के साथ आपको क्या ऐड करना है? आई एन जी ऐड कर देना है, जिसको हम लोग वी फोर फॉर्म बोलते हैं, और वो बन जाता है कॉन्टिन्यूस टेंस। उसके बाद हमको ऐड करना है अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है? अब यहाँ पे सवाल ये उठता है आपके मन में कि सर, हम सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल करें, किसके साथ एम का इस्तेमाल करें, किसके साथ आर का इस्तेमाल करें, बड़ा ही कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन को तुरंत दूर करते हैं हम आपके सामने। तो आपको याद रखना है, जब थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर, जब थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर, यानी कि ही, सी, इट और कोई भी नाम, तो वहां पर इस्तेमाल करते हैं इज हेल्पिंग वर्ब का। अगर फर्स्ट पर्सन होगा, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यानी कि आई होगा, तो वहां पे एम का इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो भी बचा, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन का प्लूरल, उन सभी के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कब इसका इस्तेमाल करेंगे और कब आर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? चलिए अब आते हैं निगेटिव सेंटेंसेस में कि कैसे निगेटिव सेंटेंस का क्या पैटर्न है। तो बड़ा ही आसान सा पैटर्न है, आपको याद रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको पता है क्या होता है? सेंटेंस में जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे कि डूअर जिसको बोलते हैं, कर्ता जिसको बोलते हैं, काम करने वाला जिसको बोलते हैं, उसी को तो बोलते हैं सब्जेक्ट। जी हाँ, उसके बाद होगा एम इज आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। कब एम का, कब इज का, कब आर का, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट आई है तो एम, अगर सब्जेक्ट ही है तो इज, अगर सब्जेक्ट दे है तो आर, ठीक? चलिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि एम इज आर के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे। कब? जब सेंटेंस निगेटिव होगा, जैसे कि मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं दौड़ रहा हूं, आई एम नॉट रनिंग, ठीक है? उसके वर्ब का आई एन जी फॉर्म, यानी कि वर्ब में आई एन जी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये काम अभी नहीं हो रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का है। That's why भर में ing ऐड कर देंगे और प्लस अदर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। वाक्य को कैसे बनाते हैं? अब प्रश्नवाचक वाक्यों में दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक होता है WH
फैमिली से रिलेटेड और दूसरा डब्ल्यू एस फैमिली से रिलेट नहीं करता है। अब डब्ल्यू एस फैमिली क्या होता है? डब्ल्यू का मतलब जो भी डब्ल्यू से वर्ड स्टार्ट होता है, जो क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि व्हाट, व्होम, वेयर और एच से हाउ, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, ये सभी डब्ल्यू एस फैमिली से हैं। उसके बाद इज एम आर और सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब यहाँ पे मैंने नॉट इसलिए लगाया है कि जब सेंटेंस में निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ आ जाएगा तब आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट को रखेंगे। अदरवाइज अगर इंट्रोगेटिव में नहीं निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो नॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वर्ब का आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा आपको जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, एक क्या मैं खा रहा हूँ, एक क्वेश्चन क्या मैं खा रहा हूँ, और ये अब कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि कैसे पहचानेंगे कि डब्ल्यू एस फैमिली से है और डब्ल्यू फैमिली से नहीं है। तो जिस क्वेश्चन का जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, आसान सा ट्रिक है कि जिस क्वेश्चन का जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं कि क्या तुम खा रहे हो, क्या वह खा रहा है, तो वो डब्ल्यू एस फैमिली से नहीं है। और जब डब्ल्यू एस फैमिली से होगा तो उसका जवाब हाँ और ना में आप नहीं दे सकते। क्वेश्चन है जिससे आपका क्वेश्चन डाउट है वो पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हम लोग हंस रहे हैं। अब ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस का है? एफर्मेटिव सेंटेंस का है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो कोई निगेटिव वर्ड इस्तेमाल किया गया है और ना ही कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ना कोई बात पूछा जा रहा है और ना तो निगेटिव वर्ड है। तो सबसे पहले क्या पैटर्न था? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में कौन हंस रहा है? हम लोग, वी। अब वी के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? तो ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म, यानी कि यहाँ पे हमने बताया था। तो अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? आर लगता है, वी आर। अब उसके बाद क्या होगा? फॉर भर्ब। अब भर्ब काम क्या है इसमें? हंसना, लाफ। हंसने का इंग्लिश होता है लाफ। अब क्योंकि हंस रहा है, क्योंकि काम हंसने का अभी हो रहा है, इसीलिए भर्ब में क्या ऐड करते हैं? आई एन जी, जैसा कि यहाँ पे बताया भी गया था कि भर्ब के फॉर्म के साथ आई एन जी का इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस अब आ गया कि मैं नहीं खेल रहा हूँ, मैं नहीं खेल रहा हूँ। कौन नहीं खेल रहा? मैं का सब्जेक्ट आई, आई। अब आई के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं? एम का, पता है, देखिए यहाँ पे आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद किसका इस्तेमाल करेंगे? निगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आई एम नॉट। अब खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। अब क्योंकि ये खेलने का काम अभी नहीं हो रहा है तो इसीलिए क्या लगा दिए इसमें? आई एन जी लगा दिए, बन गया ये क्या? अब मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ पे क्या होता है? मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ तो आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्योंकि वो अदर ऑब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्या सोच रहे हो? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चन आ गया कि तुम क्या सोच रहे हो। अब क्या इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, यानी कि ये डब्ल्यू एच फैमिली से क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली से है। और क्या वह पढ़ रहा है? क्या वह पढ़ रहा है? हाँ वह पढ़ रहा है, यानी कि इसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हैं, इसलिए डब्ल्यू एच फैमिली से नहीं है। तो ये है डब्ल्यू एच फैमिली से, तुम क्या सोच रहे हो। तो वैसे सेंटेंसेस में क्या करते हैं? पहले डब्ल्यू एच फैमिली को लिखते हैं, तो क्या इंग्लिश क्या होता है? व्हाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में कौन सोच रहा है? तुम के साथ किस हेल्पिंग का इस्तेमाल करते हैं? आर का। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे, व्हाट आर, यहाँ पे व्हाट आर यू। अब सोचने का इंग्लिश क्या होता है? थिंक। अब क्योंकि ये सोच रहा है, अभी सोचने का काम हो रहा है, तो उसमें क्या करते हैं? आई एन जी लगा देते हैं, बिल्कुल लगा देते हैं, और इंट्रोगेटिव का साइन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि क्या वह पढ़ रहा है? क्या वह पढ़ रहा है? इसी में बनाएंगे, सिर्फ ये डब्ल्यू एच फैमिली से नहीं है तो डब्ल्यू एच फैमिली का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर नॉट होगा तो नॉट, नहीं तो फिर वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। ये आपका है होमवर्क, जैसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। तो आज का यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, जो टेंस का ये तीसरा सीरीज था। अगले सीरीज में हम लेके आएंगे टेंस, प्रेजेंट टेंस का तीसरा टाइप, जहाँ पे हम सीखेंगे बहुत सारे और ट्रिक्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे रूल्स और क्वेश्चंस को भी हम डील करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे हमारे अपडेट्स आप हमसे, मुझसे खास अपडेट्स ले सकते हैं।
तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे तुरंत जाके फॉलो कर लीजिए। स्क्रीन पे मेरा जो यूजर नेम है वो आ रहा होगा, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वहां से भी आप जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। और हमारे चैनल बिहाइंड द स्टडी को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम वहां पे आपको दिखाते हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रॉम बिहाइंड द सूट्स एंड बिहाइंड द कैमरा। तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर बताना नहीं भूलिएगा, और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले। और आप सभी का ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद। आप सभी का थैंक्स फॉर वॉचिंग।